हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की न्यू रेसिपी में हम बनाने वाले हैं पंजाबी स्टाइल में मट्ठी। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मट्ठी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 300 ग्राम तक मैदा लिया है। यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच खड़ा धनिया और 1 चम्मच काली मिर्च। सबसे पहले हम इसे क्रश करेंगे। मैदे को कर देते हैं साइड में और सबसे पहले इसे क्रश कर लेते हैं। तो हमने इसे क्रश कर लिया है, अब हम मैदे में इसे ऐड कर देंगे। अब हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच अजवाइन लिया है, इसको भी हम हाथों से क्रश कर लेंगे और फिर इस पे डालेंगे। तो इस तरीके से क्रश करके डालने से मट्ठी में अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने यहाँ पे लिया है कस्तूरी मेथी, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसे भी हमें थोड़ा सा क्रश करके ही डालना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं इसे डालना तो मत डालें। हम मट्ठी थोड़ी सी चटपटी बना रहे हैं इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड किया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मोयम। तो मोयम यहाँ पे आप घी, तेल, कुछ भी ले सकते हैं। अब फिर से हमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 50 ग्राम तक के मोयम का यूज़ किया था। आप देख सकते हैं मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब मोयम हमारा परफेक्ट है इसमें। अब हम एक बार फिर से इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसका डो बना लेंगे। डो को यहाँ पे हमें सख्त बनाना है और जो हमने इसमें मोयम डाला है उससे मट्ठी ऊपर से क्रंची और अंदर से खस्ता बनेगी। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, उसके बाद फिर मट्ठी बनाना स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट हो गया है, अब हम इसमें फिर से 1 चम्मच रिफाइंड डाल के इसे फिर से गूंथ लेंगे गाइस। अब इस तरीके से हम इसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे और अच्छी तरीके से हाथों से मसल मसल के इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हम एक लोई लेंगे और अच्छी तरीके से इसे गोल करेंगे और हाथों से इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रेस करेंगे। इसे हमें कोई शेप नहीं देना है और सारी लोई को इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो इसके पहले हमने पपड़ी की भी रेसिपी दी है, अगर आप लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखी है तो इसे भी जाके हमारे चैनल में ज़रूर देखिए। उसको भी हमने पंजाबी स्टाइल में ही बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पे हमने सारी मट्ठी बना ली है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। अब एक एक करके सारी मट्ठी को हम इसमें डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमें फ्लेम हाई नहीं करना है, लो टू मीडियम में ही रखना है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके मट्ठियाँ फ्राई हो रही हैं। अब हम इसका एक साइड चेंज कर देते हैं। तो इस मट्ठी को आप किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं या फिर अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो तब भी आप बना के इसे सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट नाश्ता है। आप इसे इवनिंग मॉर्निंग चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसे जर्नी में भी लेके जा सकते हैं। और ये नाश्ता ऐसा है कि ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और महीनों खा सकते हैं। तो ये लीजिए मट्ठी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से सारी मट्ठियों को हम फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। तो गाइस, देखा कितना इजी वे में हमने पंजाबी स्टाइल में मट्ठी बनाकर घर में ही तैयार कर लिया। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसे अपने घर पे बनाएं और इंजॉय करें। तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।